साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हमारी वीडियो जितनी भी अतिथि शिक्षक से जुड़ी हुई वीडियो होती हैं वो या तो अतिथि शिक्षक से जुड़े हुए कोई अपडेट के साथ होती हैं या फिर आपको जो भी समस्या आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान को लेकर हमारी सभी वीडियो जो है आधारित होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो अतिथि शिक्षक गेस्ट आईडी है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक भाई बहन गेस्ट आईडी के लिए परेशान हो रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है कि सर हमें गेस्ट आईडी ही नहीं मिल रही है तो हम अपना अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जनरेट करवाएं, तो हमें गेस्ट आईडी निकालने की कोई एक वीडियो दें। तो हमारी वीडियो उन्हीं पर आधारित है और इस वीडियो में हम आपको शुरू से अंत तक में आपको किस प्रकार से आपकी गेस्ट आईडी सर्च करना है, देखना है और जिसके आधार पर आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं वो सारी चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको गेस्ट आईडी कैसे प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले आप हमारे जो है आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं हमने गूगल का होम पेज खोल के रखा है। आपको गूगल के होम पेज पर आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल जो है ऑन करना है। तो हम यहाँ टाइप करते हैं एमपी एजुकेशन, हमने यहाँ पे पहले से ओपन करके रखा है। तो आपके सामने एक ऐसे पोर्टल सामने आएगा, यहाँ पर आप एजुकेशन पोर्टल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एमपी एजुकेशन पोर्टल का इस प्रकार से आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको एजुकेशन पोर्टल होम पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखें कि कहीं कहीं पर एजुकेशन जो होम पेज है वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है जो कि आप अब डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इस प्रकार का जो पोर्टल है कहीं कहीं पर आप एमपी एजुकेशन जैसे ही टाइप करते हैं सीधे ओपन हो जाता है या फिर कहीं कहीं आपको जो हमने प्रक्रिया बताई है वहाँ क्लिक करना है तो आप जा सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल का इस प्रकार से होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है सीधा ही। आप जैसे ही सीधे नीचे आते जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे जैसे कि आपके सामने हैं। यहाँ पे आप सर्विस का ऑप्शन देख रहे हैं। सर्विस के नीचे ही आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है। आपको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप यहाँ देख सकते हैं क्विक सर्च इंटर नेम। आपको अतिथि शिक्षक आप अपने नाम को यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम आपको कुछ सर्च करके दिखाते हैं। जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया है तो मैंने अपना नाम सर्च कर दिया है रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सर्च नहीं हो पाएगा। आपको सही से स्पेलिंग सर्च करना है। आप जूम करके भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नाम सर्च कर दिया है और यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको आपकी गेस्ट आईडी मिल जाएगी। यहाँ आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर है, टीचर आईडी है। जो टीचर आईडी लिखी है यही आपकी गेस्ट आईडी है। यहाँ पे नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, होम डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हमने जैसे रविंद्र कुमार सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे रविंद्र कुमार के नाम से आ रहे हैं। तो एमपी में जो अपने अतिथि शिक्षक जितने भी रविंद्र कुमार जैन के नाम से एजुकेशन पर रजिस्टर्ड हैं वो सभी नाम यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपको आपके फादर्स नेम के आधार पर आपको देख लेना है कि आपका कौन सा। यहाँ पर बहुत सारे नाम आएंगे, आप अपना नाम सर्च करेंगे तो वो भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपको फादर्स नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर से आदि से आपको क्लियर कर लेना है कि आपकी आईडी कौन सी है। मान के चलिए कि आपके पहले नंबर की ही आईडी है तो पहले नंबर की आईडी के यहाँ जो टीचर आईडी है यही आपकी गेस्ट आईडी है। इस गेस्ट आईडी को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और आप इसको जब अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे, जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो गेस्ट आईडी मांगी जा रही है यही गेस्ट आईडी वहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। अब दोस्तों एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रखना है,
कि एक नाम की एक से अधिक आईडी भी हो सकती हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि यदि आपने मान लीजिए 4 साल अतिथि शिक्षक में काम किया है और अलग अलग संकुल या अलग अलग स्कूल में काम किया है, तो प्रत्येक स्कूल या संकुल के आधार पे आपने जितने साल अलग अलग स्कूलों में काम किया है उतनी ही आईडी आपकी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आईडी से आपका सारा डिटेल्स आ जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यदि आपकी एक से ज़्यादा आईडी आ रही हैं तो सभी आईडी आपको नोट कर लेनी है जितनी भी आपकी उपयोगी हैं, और जब अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना है। तो आशा करते हैं कि मैंने जिस प्रकार से आपको गेस्ट आईडी निकालना बताया है, आप ठीक इसी प्रक्रिया को अपना करके आपकी गेस्ट आईडी निकाल सकते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई और भी समस्या है गेस्ट आईडी से जुड़ी हुई या अतिथि शिक्षक से कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को आप और भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी आसानी होगी अपनी गेस्ट आईडी सर्च करने में। धन्यवाद।